हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है हम लोग गए हैं राधा की धानी। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ राधा की धानी व्लॉग। राधा की धानी एक होटल है जहाँ पे आपको पूरा ट्रेडिशन राजस्थान का देखने को मिलेगा। बहुत ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे वेलकम करते हैं हमारा, कैसे वेलकम करते हैं, वहाँ का कल्चर, डांस क्या है, वहाँ का फूड क्या है, आप पूरा इस व्लॉग में देख पाएंगे कि वहाँ पे जो है हमें खाने को भी मतलब कौन कौन सा फूड ये हम लोगों को देते हैं, कौन कौन सी डिशेस जो वहाँ की फेमस है वो हमें देते हैं वहाँ पे। मीन्स आपको जो है पूरा कल्चर जो है राजस्थान का अगर देखना हो तो आप इस व्लॉग में देख सकते हैं, जो कि है राधा की धानी व्लॉग। तो देखिए हम जो है अंदर एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हमें वेलकम ड्रिंक दी गई है यहाँ पर, जो कि है इनका जो जलजीरा होता है वो इनकी वेलकम ड्रिंक होती है और बहुत ही अच्छी थी वो ड्रिंक भी। तो सबसे पहले जब हम यहाँ इंटर करते हैं तो हमें वो जो है वेलकम ड्रिंक दी जाती है। और यहाँ पे ये देखिए बहुत ही मतलब कि बहुत यहाँ पे अच्छी अच्छी आपको डांस भी देखने को मिलेंगी, सिंगिंग भी करते हैं ये लोग यहाँ पे हमें दिखाते हैं। और मतलब कि जितना भी इनका जो है मीन्स इनमें जितना भी टैलेंट है वो यहाँ पे ये लोग दिखाते हैं। तो ये देखिए ये वेलकम ड्रिंक है, अच्छी थी वेलकम ड्रिंक। तो चलिए हम जो है ये वेलकम ड्रिंक लेते हैं एंड फिर हम जो है इंटर करते हैं अंदर, फिर देखते हैं अंदर हमें देखने को क्या क्या मिलता है और हम किस किस चीज़ को एंजॉय करते हैं और हमें क्या क्या अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए अब हमने जो है हमारी वेलकम ड्रिंक को एंजॉय कर लिया है, देन अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर हमें और क्या क्या अच्छा अच्छा देखने को मिलता है और हमें हम इंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं इसमें। तो चलिए अब हम देखते हैं, हम जब इंटर कर ही रहे थे तो सामने जो है सिंगिंग हो रही थी और जो है बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहा था एक लड़का था, वो बहुत ही अच्छी सिंगिंग कर रहा था। तो हमने सोचा वहाँ पे क्यों ना हम थोड़ा सुना जाए, बट मैंने सोचा थोड़ा आगे पहले मैं देख लूँ सारा, फिर उसके बाद जो है मैं देखती हूँ कि हमें क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तो ये देखिए अब हम जो है अब गए तो यहाँ पे एक जो है डांस का ये लोग प्रोग्राम दिखाते हैं जहाँ पे लोग राजस्थानी डांस करते हैं। तो हम जैसे ही गए तो यहाँ पे जो है राजस्थानी डांस जो है मैंने सोचा पहले हम लोग डांस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये डांस इंजॉय किया जो कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा डांस किया। तो आप भी देखिए और आप भी इंजॉय करिए कि लोग कैसे डांस करते हैं, ये राजस्थानी डांस है और जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने डांस किया, हम लोगों ने अच्छा इंजॉय भी किया। तो ये देखिए हम जो है एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे इन लोगों का डांसिंग का, जो कि अच्छी डांस कर रहे हैं ये लोग और दिखा रहे हैं कि वहाँ पे जो है राजस्थान में कैसी डांस की जाती है वहाँ पे, वहाँ का एक्चुअली वहाँ का कल्चर है। तो चलिए हम अब जो है डांस एंजॉय करते हैं। सब लोग यहाँ पे जो है इकट्ठे हो गए हैं इन लोगों का डांस देखने के लिए, तो चलिए हम भी देखते हैं कि ये लोग कितना अच्छा डांस करते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं एक डांसिंग जो ये लोग कैसे कर रहे हैं। Thank you.
नहीं है। कलाकार अपने शरीर में पूरा बैलेंस बना उस नोट को कलाकार प्रकार से उठाएगी। तो हमने जो है डांस एंजॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी किया होगा डांस एंजॉय। अच्छा डांस था इन लोगों का, राजस्थानी मैंने जो है फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे राजस्थानी डांस कैसे किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट जो है इनके जो होटल है इनके पीछे जो है बहुत ही एक अच्छा गार्डन है,
बहुत ही अच्छा जो है प्ले एरिया है, और वहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स हैं, झूले हैं बहुत सारे, जहाँ पे कि हैं हम झूल सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, वहाँ पे बहुत मस्ती कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है इनका, बहुत ही अच्छा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे मतलब हम एक पूरा दिन स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत इंजॉय कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए इतने सारे झूले हैं, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज के इधर झूले हैं। तो यहाँ पे जो हैं बच्चे जो हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। तो बच्चों को जो है स्पेशली यहाँ पे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चों का बहुत अच्छा खेलने का है। ये प्लेग्राउंड बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये जो राधा की धानी है, यहाँ पे बहुत ही मीन्स ये जो होटल है बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे हमें डांसिंग भी देखने को मिली, यहाँ पे हमें सिंगिंग भी देखने को मिली, यहाँ पे जो है आपको ऊँट भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो है हॉर्स भी है, और हॉर्स राइडिंग भी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो तांगा होता है वो भी चलता है वहाँ। हम जो है उसका भी हम लोगों ने उसको भी इंजॉय किया, उस पर भी हम लोग बैठे। तो यहाँ पे जो है आप मीन्स राइडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे राइडिंग करने का भी बहुत मज़ा आया। और आप यहाँ पे जो है पूरा एक दिन हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया है, पूरा वन डे, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। यहाँ का फूड भी बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज यहाँ देखिए हर टाइप के आपको झूले देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आप पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, हम लोग यहाँ जो है बहुत जल्दी आ गए थे यहाँ पे, हम लोग जो है 12 बजे के करीब आ गए थे, और हमें यहाँ से जाते जाते जो है 9:30 हो चुका था हमें यहाँ से निकलते निकलते। आप यहाँ पे जो है 11 o'clock और 10:30 तक आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ से चेकआउट करना होता है। तो यहाँ पे जो है आप पूरा दिन फुल मस्ती इंजॉय कर सकते हैं, और हम जो है कुछ अलग कल्चर देखने को मिलता है, कुछ अलग ही यहाँ का ट्रेडिशन था। तो बहुत मज़ा आया इस व्लॉग में जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइज अब जो है दिन का टाइम हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो चलिए हम सबको ही भूख लग रही थी, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे खाने को हमें मिलता है, कुछ अच्छा है इन लोगों के पास कि नहीं है। चलिए हम अंदर जाएंगे तो पता चलेंगे कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा फूड है, तो एक्चुअली में फूड अच्छा है भी कि नहीं है। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इन लोगों का फूड कैसा है। तो राजस्थानी फूड जो है देखते हैं हम लोग कितना इंजॉय करते हैं इन लोगों का। तो जैसे हम इंटर हुए तो ये देखिए इन लोगों ने जो है इनका फूड पूरा है जो है एक टेबल पर जो है लगा हुआ है इनका, जो भी ये लोग डिशेस जो है सर्व करते हैं। और ये जो छोटी छोटी टेबल्स लगी हुई हैं सबके बैठने के लिए है, नीचे सबके लिए छोटी छोटी टेबल्स है अलग अलग। और ये देखिए ये जो दोने हैं इनमें ये लोग जो है जितनी भी डिशेस हैं ये सर्व करते हैं ये लोग। और यहाँ पे जो है ये देखिए ये जो पत्तल है इसमें ये लोग खाना सर्व करते हैं। तो ये देखिए दाल है, बाटी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दाल है, बाटी है, पांच प्रकार की जो है इन लोगों ने सब्जियाँ दी हैं हमें, और इनका जो है चूरमा भी होता है। साइड से आएंगे ये फोटो, तो अच्छा था खाना इनका। तो गाइस हमने जो है इनका फूड जो है एंजॉय कर लिया है, अच्छा था इनका खाना, बहुत ही टेस्टी था। तो चलिए अब जो है हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं, और जो है वो भी है इनका ऊंट जो है कैमल, तो वहाँ पे उसकी भी सवारी की जाती है वहाँ पर उसकी भी राइडिंग है। और यहाँ पे जो है ये देखिए तांगा है, तो ये तांगा जो है यहाँ पे इसकी भी हम लोग राइडिंग करेंगे। और ये देखिए ये ऊँट है, तो इसकी भी हम राइडिंग कर सकते हैं। ये देखिए राइडिंग कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग।
तो गाइज यहाँ पे जो है आपको ये एक राउंड जो है पूरा लगवा के आते हैं ये लोग, यहाँ से पूरा राउंड आप लगा सकते हैं और तो काफ़ी अच्छा रहता है, यहाँ पे मज़ा आता है राइडिंग का भी। आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, कैमल राइडिंग भी कर सकते हो, तो बहुत अलग किस्म का था, तो अच्छा मज़ा आया। अब यहाँ हम दूसरी जगह पे आ गए तो वहाँ पे जो है सिंगिंग चल रही थी, वहाँ पे जो है सिंगिंग कर रहे थे, तो चलिए मैंने सोचा आप सिंगिंग भी सुन लेते हैं कैसे ये लोग सिंगिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो सिंगिंग करते हैं कपल्स के लिए करते हैं ये लोग सिंगिंग, तो और इन्होंने देखी इस इन्होंने जो मेरे लिए भी सिंगिंग की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग जो है इन्होंने मुझे डेडिकेट किया, तो काफ़ी अच्छी सिंगिंग थी, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं ये गा रहे थे, तो बहुत ही इंजॉय किया। सबसे ज़्यादा मुझे जो है यहाँ पर सिंगिंग में बहुत मज़ा आया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है, मैं इनकी सिंगिंग सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मेरे यहाँ आते हैं सारे बच्चे, मैं कुछ कहूँगी सबको।
तो गाइस हमने जो है डांस को सिंगिंग को जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी हम लोग जो है आ गए हैं यहाँ पे इनका जो है, तो ये देखिए हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो है राजस्थान की कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ईयरिंग्स थी और भी कुछ चीज़ें थी, ये लोग सेल कर रहे थे वहाँ पे, वो हम ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे भी इंजॉय किया, हम लोगों ने इस पर भी बैठे हम लोग और इंजॉय किया। और इसके बाद जो है वहाँ पर डिस्को भी था, तो हम लोगों ने डिस्को भी गए, तो डिस्को में भी अच्छा मज़ा आया वहाँ पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे सब कुछ है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया डे से लेके नाइट तक, बहुत ज़्यादा मज़े किए यहाँ पे। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैजिक शोज़ भी होते हैं, मैजिशियंस भी हैं यहाँ पे, हम लोगों ने मैजिक शो भी देखा यहाँ पे। तो हम लोगों ने मैजिक शो भी इंजॉय किया यहाँ पे, बहुत अच्छा था इनका मैजिक शो भी। तो यहाँ पे जो है आप अगर आप जैसे हम सुबह से रात तक यहाँ पे थे, तो बिल्कुल भी हम लोगों ने जो है बोर नहीं हुए यहाँ पे एक मिनट के लिए भी, पूरा फुल इंजॉय किया यहाँ का खाना, यहाँ का डांस, यहाँ का जो सिंगिंग है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे कि हम इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस ब्लॉग को शेयर किया।